अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। ये है जी एसी है हमारे पास कुलीन कंपनी का। इसका मसला ये है कि इसका कंप्रेसर चल रहा है और मोटर जो है इसकी ऑन नहीं हो रही। ये देखें, ये इसकी मोटर लगी हुई है, ये देखें बिल्कुल चालू है, कोई अटकी भी नहीं है, लेकिन ऑन नहीं हो रही। ये हमने इसको ओपन किया हुआ है, इसका कैपेसिटर जो है वो ख़राब है। आप ये अभी इसको ऑन करते हैं, ये देखें इसका कंप्रेसर ऑन हो गया है, लेकिन मोटर वैसे ही खड़ी है। ये देखें अभी इसका कैपेसिटर लगा हुआ है कंप्रेसर का, इसका कैपेसिटर बिल्कुल ठीक है और मोटर का कैपेसिटर इसका जो लूज़ हो चुका है, जिसकी वजह से मोटर नहीं ऑन हो रही। अभी इसका कैपेसिटर चेंज करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। इसको बंद कर देना, चलो। ये इसकी वायर है मोटर की स्टार्टिंग की, जो हम निकाल रहे हैं ये स्टार्टिंग की वायर है। ये आपने नए कैपेसिटर की रनिंग पे स्टार्टिंग पे लगानी है। कैसे लगानी? नहीं नहीं ऐसे हट, ये देखें ये स्टार्टिंग पे आपने लगा देनी है। और ये जो दूसरी साइड की वायर है ये आपने इधर इसकी रनिंग पे लगा देनी है। लाना चाहिए, अभी ये इसके मोटर का कैपेसिटर जो है ना, ये देखें 5 UF का लगा हुआ था, ये देखें 50 इसके कंप्रेसर का और 5 मोटर का है। ये हमने नया लगा दिया है 5 UF का। अभी ये देखते हैं कैसे वर्क करता है, ठीक है जी। ये देखें अभी मोटर चल चुकी है, ये देखें बिल्कुल। इसको कैपेसिटर का मसला था, अगर आपका कोई एसी है ऐसी हरकत करता है तो उसका कैपेसिटर चेंज करें। और ऐसे तकरीबन 30-40 रुपए का कैपेसिटर है, चेंज करके आप अपना खुद एसी ठीक कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।